हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। एंड गाइस, जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि आज मैं सियालदा टू डानकुनी ईएमयू लोकल ट्रेन का वीडियो बनाने वाला हूं। तो लीजिए गाइस, हाजिर है आज का आपका ये वीडियो। एंड ये आप बहुत जन ने मेरे को बोला था कि भाई लोकल ट्रेन का वीडियो बनाओ, लोकल ट्रेन का वीडियो बनाओ। तो लीजिए, हाजिर है आज ये लोकल ट्रेन का वीडियो। एंड जिन्होंने बोला था सियालदा लोकल का बनाओ, तो उनको भी बोलता हूँ ये रहा सियालदा टू डानकुनी का ईएमयू लोकल का ट्रेन का वीडियो। एंड अभी हम लोग फिलहाल के लिए खड़े हैं सियालदा के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। एंड हमारा डिपार्चर का टाइम है 9:50 पे। यहाँ पे टाइम टेबल पे थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे, थोड़ी देर में डिपार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे पेंटोग्राफ ऑन करने पड़ेंगे, तो चलिए ऑन करते हैं पेंटोग्राफ को पी प्रेस करके। हो गया पेंटोग्राफ ऊपर के ओवरहेड वायर से टच। एंड अभी एक बार कैब के अंदर में चलेंगे तो कुछ ऐसा हमको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ब्रेक्स पहले रिलीज़ करते हैं, ठीक है गाइस। रिलीज़ हो गया पूरा 100% तक रिलीज़ हो गया। रिलीज़ हुआ क्या? हाँ रिलीज़ हो गया। यहाँ पे ये स्विंग हिल रही है, दिख रहा होगा आपको। तो चलो अभी डिपार्ट करते एक बार। पहले पीछे हॉर्न बजाते हैं, जैसे कि होता है पहले पीछे अलार्म बजता है, लोकल अलार्म नहीं, पीछे पहले वार्निंग हॉर्न पहले पीछे बजता है, उसके बाद सामने बजा के डिपार्ट करते हैं बेल बजा के। तो चलिए पीछे आता हूँ, अब पीछे से हॉर्न बजाता हूँ एक बार। अभी सामने चलता हूँ एक बार, बेल बजाता हूँ, इसके बाद डिपार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है गाइस। ये है लोकल ट्रेन के अंदर का व्यू, मतलब अंदर का नहीं, ये जो कैब है ना वो कैब का व्यू है। तो यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आज मैं कैब से भी आपको चला के दिखाऊंगा। हमारा डिपार्चर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं डिपार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि सिग्नल हमको मिला नहीं, आप देख ही सकते हैं। एक बार हॉर्न बजा देता हूँ, बेल भी बजाते हैं। गार्ड ने बेल बजा दिया है, गार्ड यहाँ पे तो यार गाड़ी में हूँ, ड्राइवर नहीं मतलब लोको पायलट भी मैं हूँ। चलो एक बार हॉर्न बजा देते हैं सामने से। अब करते हैं डिपार्ट, तो हमको सिग्नल मिल चुका है, तो चलिए डिपार्ट करते हैं। येलो सिग्नल है, अभी सियालदा से हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं। एंड हमारा स्पीड लिमिट यहाँ पे 20 मिलेगा, तो 20 का स्पीड लिमिट है। ये क्या हो गया? अच्छा, ऊपर में पंखे वगैरह हैं एंड ऊपर में ये बल्ब वगैरह भी दिखाया गया, मतलब बहुत ही डिटेलिंग किया गया है इस लोकल ट्रेन में। आई थिंक ये लोकल ट्रेन सचिन यादव जी ने बनाया है, बहुत ही मस्त बनाया है। मैं आपको अंदर में भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है अंदर में, मतलब जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। तो थोड़ा सा थ्रॉटल को हमको जो है ज़ीरो पे लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 का है। बाहर चलते हैं, चलो बाहर आ चुका हूँ मैं। ये देखिए अंदर में कुछ ऐसा है, ये पंखे वगैरह लाइट्स वगैरह सब एकदम मस्त लग रहा है। सीट्स वगैरह देखिए एकदम जैसे रियल में होता है ना, एकदम वैसा ही बनाया गया है। डोर पे चलेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर बाद डोर पे चलेंगे। हमारा ट्रेन का जो है ट्रैक चेंज हो रहा है, इस साइड में एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, उसके उस साइड में भी एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। एंड यहाँ पे एक वैब 5 के साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट करने के लिए रेडी हो रही है। एंड हमारे उस साइड में एक लोकल ट्रेन और मैं आपको दिखाना भूल गया, एंड हमारे साइड में एक वैब 4 भी था, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाया। चलो पीछे चल के यहाँ से दिखा दूँ, ये देखिए वैब 4 एंड उधर एक लोकल ट्रेन। हम लोग धीरे धीरे जो डिपार्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से एक और लोकल ट्रेन आ रही है, हमको क्रॉस कर रही है एक और लोकल ट्रेन। एक EMD आइडल खड़ा है यहाँ पे सियालदा के आउटर पे। एंड हमारे उस साइड में एक वैब 4 के साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट किया ही था, मेरे को लगा पैरेलल रन होने वाला है, लेकिन नहीं, उसको सिग्नल नहीं मिला हुआ एंड वो रुक चुकी है। तो उसको रोकने दो भैया, हम लोग तो डिपार्ट करते हैं हमारा। एंड यहाँ पे वॉच है क्या? ये क्या है? नहीं वॉच नहीं है, मेरे को लगा ये घड़ी वड़ी होगा। अच्छा यहाँ पे एक और लंबा सा बिल्डिंग है, और ऐसा बिल्डिंग मैंने सांतरागाछी पे भी देखा था ना। हम लोग जब सांतरागाछी पे गए थे, मतलब जब वीडियो बनाया था ना सांतरागाछी स्टेशन का, तब ऐसा बिल्डिंग शायद मैंने वहाँ पे भी देखा था। तो यहाँ पे भी ऐसा बिल्डिंग है। तो चलो हमारा ट्रैक चेंज अभी होने वाला है फिर से। सामने से देखता हूँ कैसा लग रहा है।
मस्त लग रहा है एकदम। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक रियल लोकल ट्रेन आ रहा है, मेरे को तो वैसा ही लग रहा है। ये जो रिपेंट है ये बनाया है हमारे तुहिन कुमार मलिक जी ने, बहुत अच्छा रिपेंट बनाया है। लिखा हुआ है ईस्टर्न रेलवेज। चलो सामने चलते हैं अभी। एंड अभी इसी के बाद 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट भी आने वाला है, तो थोड़ा सा एक्सलेट और करते हैं। सामने एक कोच केयर दिख रहा है। कोच केयर मतलब पता ही होगा आपको, कोचेस के देखभाल जहाँ पे किए जाते हैं वही है कोच केयर। तो चलो अभी चलते हैं। शायद यहाँ से दिख रहा है मेरे को कि कोई ट्रेन वहाँ पे खड़ी है, वैप 4 के साथ शायद सियालदा के आउटर पे खड़ी है। फिर से ट्रैक चेंज होने वाला है हमारा, एंड उसके बाद शायद हमको धीरे धीरे स्पीड लिमिट मिलेगा। यहाँ पे एक दुरंतो का रेक दिख रहा होगा आपको, सियालदा दुरंतो होगा क्या? हाँ वही होगा शायद, पता नहीं यार। एंड उसके उस साइड में एक और एक्सप्रेस ट्रेन का, यार इन लोगों का अभी साफ़ सफाई चल रहा है डिपार्ट करने, अभी डिपार्ट करना तो दूर, अभी ये साफ़ सफाई करने के बाद जाके शंट होंगे, उसके बाद जाके डिपार्चर का आएगा। हमको अभी ग्रीन सिग्नल मिला है, आप सामने देख ही सकते हैं। तो चलिए अब डिपार्ट करते हैं। 30 किलोमीटर का स्पीड लिमिट मिल चुका है, थ्रॉटल को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है गाइस? 20% में ठीक है गाइस थ्रॉटल। एंड ये वैप 4 एकदम डस्टी लुक के साथ, यार इसका मेंटेनेंस नहीं किया क्या? मेंटेनेंस तो किया लेकिन साफ नहीं किया, इतना ज़्यादा धूल पड़ गया ये एकदम। अभी इसको सिग्नल नहीं मिला, ये आउटर पे खड़ी है। चलो हमारा जो है ना अभी 100 किलोमीटर का लिमिट आपको दिख रहा होगा एकदम राइट साइड के ट्रैक मॉनिटर पे। तो चलो अभी हम लोग स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं। थ्रॉटल को मैं 60% पे रहने देता हूँ, ठीक है गाइज? इस साइड से कोई और ट्रैक्स वगैरह दिख रहा है मेरे को, ये शायद कोचिंग केयर के ही होंगे, कोच केयर के ट्रैक्स होंगे जो कि उस साइड जा रहा था। लोकल ट्रेन का साउंड आ रहा है ना आपको अच्छे से? उम्मीद करता हूँ आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आना ही चाहिए। चलो ज़्यादा स्पीड तो नहीं करेंगे। सामने वाला जो हमारा स्टेशन है वो है विधान नगर रोड। जो लोग इस साइड के हैं उनको तो पता ही होगा कौन सा स्टेशन है इसके बाद। एंड आज का हमारा लोकल ट्रेन का टाइम टेबल अगर आपको दिखाऊं तो वो मैं दिखाता हूं, रुकिए। F1 प्रेस करने से आ जाएगा पहले सियालदा, उसके बाद विधान नगर, उसके बाद दमदम जंक्शन, उसके बाद बरानगर रोड, उसके बाद दक्षिणेश्वर, उसके बाद बालीघाट, उसके बाद बाली हॉल्ट, उसके बाद राजचंद्रपुर, उसके बाद आता है आपका डानकुनी जंक्शन। तो देखते हैं कितना लेट करता हूं मैं आज। यार वैसे तो ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं लेट तो करूँगा ही, एकदम करूँगा ही लेट, एकदम पक्का यार, इसका चिंता आप लोग मत करो, मैं लेट ज़रूर कर दूँगा। फिलहाल अभी स्टेशन आ रहा है, स्पीड हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। ब्रेक्स लगाना चालू करते हैं गाइस। विधान नगर रोड, सारे पैसेंजर्स यहाँ पे खड़े हैं। एंड हमको एमू स्टॉप के पहले रुकना है गाइस, ठीक है? ध्यान रखना ये बात, ये जो एमू स्टॉप लिखा हुआ है ना इसी के पहले हमको रुकना है। यार कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं रुक गया, ये एमू स्टॉप के पहले हमको रुकवाना है। चलो और थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेन को हमारा रुकवा देंगे। तो फाइनली जो है हम लोग ट्रेन को हमारा रुकवा दिया। पीछे घुसा है ना पूरा ट्रेन? हाँ गाइस घुस चुका है, एकदम सही से ही रुका है पूरा हमारा ट्रेन। हमारा जो ट्रेन है ये 9 कोचेस का ट्रेन है, 12 कोचेस वाली ट्रेन नहीं है ये। चलिए ब्रेक्स रिलीज करते हैं। एज आपको पता ही है कि लोकल ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले हैं हम लोग। चलो पीछे चलते हैं, गार्ड के केबिन में जाके हॉर्न बजा के आते हैं। अभी सामने चलते हैं, एक बार बेल बजा देते हैं, फिर से अब हमारा हॉर्न बजाते हैं, अंदर चलता हूँ। चलो बस डिपार्ट करता हूँ मैं। ये दरवाज़ा एकदम खुला, नहीं खुला हुआ तो नहीं है,
नीचे से क्रॉसिंग्स वगैरह हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी डिपार्ट करेंगे हम लोग। मस्त कंट्रोल्स दिखाए गए ना, किसका कंट्रोल का फंक्शन क्या, अगर आप में से इनको किसी का पता होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है चलो बाहर चलते हैं। एक ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे 25 का स्पीड लिमिट था लेकिन यार मैंने ब्रेक कर दिया, अभी 40 का स्पीड लिमिट है। चलो चलते हैं यार, चलता है कोई बात नहीं यार। नीचे ये जो ट्रैक है ये कोलकाता की तरफ जाती है, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ये वैसे यहाँ पे जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा, कोलकाता स्टेशन के पास जाती है। ये एक ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे एंड बहुत सारे ट्रेन्स वहाँ पे दिख भी रहे हैं। चलो हमको ग्रीन सिग्नल मिला है, पूरा एकदम फटाफट एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है गाइस, ये कौन से ट्रैक्स है, ये देखिए साइड से एक लोकल ट्रेन जा रही थी, मैं आपको दिखा नहीं पाया। चलो सामने से कोई एक ट्रेन आ रही है, मेरे को यहाँ से स्मोक नज़र आ रहा है अच्छे से। एंड हमारा स्टेशन दमदम जंक्शन आने वाला है भैया, जंक्शन है तो सही सलामत रुकना पड़ेगा ट्रेन को। स्पीड मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, 100 का लिमिट है। चलो अब कमा देता हूँ, 100 में पहुँच चुके हैं हम लोग। अच्छा ये ट्रेन एल्को के साथ ट्रैक्स चेंज करते हुए जा रही है, दमदम जंक्शन से जा रही है एंड हम लोगों को अभी स्पीड अपना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सामने हमारा ट्रैक्स चेंज होने वाला है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए व्हाइट कलर के लाइट्स जल रहे हैं तो हमारा ट्रैक्स चेंज होने वाला है, स्पीड को और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा गाइस। नहीं ट्रैक्स चेंज तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरे को नहीं लगता ट्रैक्स चेंज होने वाला। अच्छा गाइस समझ में आ गया, ये स्टेशन से हम लोग जब डिपार्ट करेंगे ना तब ट्रैक्स चेंज होने वाला है, अभी ट्रैक्स चेंज नहीं होगा। चलो गाइस ब्रेक्स लगाना चालू करते हैं, एज ये एमू स्टॉप आ रहा है हमारे यहाँ पे। एमू स्टॉप के बिल्कुल पहले हमको रोकना है, जैसे कि पिछले स्टेशन में किए यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। यार रूल्स मान रहे तो यार सब रूल्स मानना चाहिए है ना। चलो अभी रोक देते हैं हमारे ट्रेन को। परफेक्ट एकदम, क्या बात है यार, आज एकदम मैं परफेक्ट परफेक्ट काम कर रहा हूँ यार। मेरे से तो वैसे कभी ढंग से होता नहीं यार, लोकल ट्रेन से यार मैं सही सही चला रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ। ब्रेक्स मैं रिलीज कर चुका हूँ, कंप्रेसर का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, वो साउंड आ रहा है, एक नॉइज़ आ रहा है, कंप्रेसर का साउंड है वो, ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करने वाले हैं, पीछे चलते हैं, हॉर्न बजा देते हैं। तो चलो डिपार्ट करते हैं हम लोग, डिपार्ट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। साउंड आ रहा होगा आपको अच्छे से, दमदम जंक्शन से हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अरे यार कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गया, ट्रैक चेंज होने वाला था हमारा तो ब्रेक्स में लगा दिया हूँ। एकदम हम लोग जा रहे हैं एकदम साइड वाले ट्रैक्स में, यहाँ से सिग्नल मिला है हमको। अरे वाह गाइस ये वाला यहाँ का सीन देखिए, एक ट्रेन वैब 4 के साथ क्रॉसिंग हो रहा है एंड उधर दूर में एक वैब 4 के साथ एक ट्रेन वेटिंग पे है। मस्त लग रहा है यार, सही में यार लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस भी बड़ा शानदार है यार। यार आप मेरे को एक चीज़ कमेंट्स में बताना कि आप में से किन किन को लोकल ट्रेन से अच्छा लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे को बताना कमेंट्स में। ठीक है गाइस,
एक शार्प कर्व में हम लोग घुसने वाले हैं बड़ा नगर रोड स्टेशन में जाने के लिए। ग्रीन सिग्नल है गाइस पूरा। फिर से एक और कर्व है लेफ्ट साइड की ओर। ऑलरेडी हम लोग यार 103 स्पीड लिमिट स्पीड में आ चुके हैं। गाइस स्टेशन आ रहा है, अभी हमको रुकना है, स्पीड डिक्रीज करते हैं गाइस। अभी मैं यहाँ से रुकूंगा, ठीक है गाइस। ब्रेक्स अप्लाई कर दिया हूँ गाइस मैं पूरा एकदम। देखते हैं मैं कैसे रोक पाता हूँ कि नहीं, शायद मैं रोक ही लूंगा गाइस। हाँ हाँ शायद मैं रोक लूंगा गाइस। तो गाइस मैंने रुकवा दिया ट्रेन को यार, सिग्नल को क्रॉस ही कर दिया है। सिग्नल के पहले मैं रुकवा नहीं पाया, आप देख ही सकते हैं। एंड यहाँ पे एमू स्टॉप का भी वो जो सिंबल है ना, वो भी मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो चलो गाइस अभी डिपार्ट करते हैं यहाँ से, डिपार्ट करने का वक्त तो हो चुका है। साइड से एक MEMU आ रही है, मेमू क्रॉस कर रही है हमको, पता नहीं कौन सा मेमू होगा। आपको अगर पता होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर से एक कर्व है, इसको भी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। पीछे चलते हैं गाइज अब। हाँ अब यहाँ से नज़ारा देखिए कुछ ऐसा लग रहा है गाइज। ऐसा लग रहा है कि मैं लोकल ट्रेन में बैठा हूँ, है ना। ऊपर में सब लाइट्स वगैरह जल रहे हैं एंड अगला स्टेशन हमारे पास में ही है। तो चलिए एकदम मैं इस साइड में बैठता हूँ ताकि हमको जो है ना स्टेशन दिखे। तो ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता गाइस मैं, डिक्रीज कर देता हूँ थ्रॉटल को, क्योंकि हमारा जो है ना स्टेशन सामने ही आ चुका है। अब लग रहा है यार एकदम गाँव वाली फीलिंग आ रही है कि ट्रेन में झूलते झूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को, ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेन में झूलते झूलते जा रहा हूँ अभी। चलो स्टेशन आने ही वाला है, ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। दक्षिणेश्वर स्टेशन है, एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, आपको पता ही होगा जब लोग बंगाल से हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे गाइस रुक चुके हैं एकदम। अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं, वैसे हम लोग लेट हो चुके हैं अभी, एक मिनट में लेट है अभी हम लोग, ज़्यादा लेट नहीं है, चिंता मत करो यार ज़्यादा लेट नहीं होगा आज। बेल बजाओ आगे डिपार्ट करो। अरे हॉर्न नहीं बजाया, चलो कोई बात नहीं यार चलता ही है ना। फिफ्टी का स्पीड लिमिट दिया है यहाँ पे, तो ज़्यादा मैं एक्सेलरेट नहीं करूँगा। ये देखिए ये जगह तो आपको पता ही होगा, जो लोग यहाँ वेस्ट बंगाल से उनको तो पता ही होगा ये जगह। ये एक बहुत ही फेमस जगह है, दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कुछ उस साइड में है। यहाँ पे गेम में दिखाया नहीं गया है, दिखाया गया क्या मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ दिखाया गया, वो देखिए यार दक्षिणेश्वर मंदिर वैसा दिखाया गया है। चलो कोई नहीं, हम लोग अभी ट्रेन में चलते हैं। नीचे गंगा रिवर है, ये एक फेमस रिवर। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ये जो ब्रिज है ना, ये तीनों ब्रिज जुड़े रहते हैं, मतलब ये जो गाड़ी वाले ब्रिज है, गाड़ी वाला ब्रिज है, ये ट्रेन वाला ब्रिज, ये तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं। चलो हमारा स्टेशन सामने आ चुका है, तो हम लोग अभी रुकने ही वाले हैं। उस साइड में नया ट्रेन का, उस साइड में नया रोड है,
ये ब्रिज एक्चुअली पुराना हो चुका है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने उस साइड में एक नया रोड बना दिया है जिसमें जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, तो सब लोग ज़्यादातर इसी साइड से जाते हैं। एंड इस रोड में ट्रक्स वगैरह अलाउड नहीं है यार, कोई भी स्टेशन में मेरे को और ईएमयू स्टॉप नहीं दिख रहा है, पता नहीं यार क्यों। पहले पहले दिख रहा था सब स्टेशन में, अभी यार एक भी स्टेशन में नहीं दिख रहा है, ये ईएमयू स्टॉप नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। चलो गाइस रुक चुके हैं हम लोग, पीछे चलते हैं, पूरा ट्रेन नहीं घुसा है ना यार। ये कैसा गाड़ी है यार, अभी देखा आपने? पता नहीं यार ये कैसा गाड़ी जा रहा था साइड से। ये गाड़ी तो ठीक है, पिछले बार पता नहीं यार कैसा टाइप का गाड़ी है। चलो टाइम हो गया, डिपार्ट करने का वक्त हो चुका, अब सामने चलो, बेल बजाओ, अब आगे एक बार हॉर्न बजाओ, अब डिपार्ट करते हैं। चलो जो मोटर का साउंड है ना मेरे को बड़ा मस्त लगता है, ये जो एक्सेलरेट करने का जो साउंड है, आप सुनिए ध्यान से, मैं थोड़ा चुप रहता हूँ। स्पीड लिमिट हमारा 50 है तो ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे, एंड स्टेशन यहीं पास में ही है तो ज़्यादा एक्सेलरेट तो और करेंगे भी नहीं क्योंकि यहीं पे रुकना है हमको। तो ये स्टेशन है हमारा बाली हॉल्ट, एंड अभी और तीन स्टेशन बचे हैं ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आने में। नीचे में देखिए ये ट्रैक सबका हावड़ा में जाती है, एंड यहाँ पे कोई ट्रेन रुकी हुई है अभी, पता नहीं गाइस कौन सा ट्रेन है यहाँ पे जो कि अभी रुकी हुई है, कुछ स्पेशल ट्रेन लगता है, मे बी दुरंतो होगा या फिर राजधानी होगा, पता नहीं कुछ होगा। हावड़ा उस साइड में हावड़ा जाता है, अगर आप में से किसी को जाना है तो चले जाओ यार, इसी ट्रेन से चले जाओ, ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, P7 लोगों के साथ हावड़ा में जाने वाली है, तो अभी उतर जाओ, मैं ये स्टेशन में रुक रहा हूँ, एंड जिसको जिसको ज़रूरत है वो उतर जाओ, उतर के वो नीचे का ट्रेन पकड़ लो। टिकट का चिंता मत करो यार, जो टीटी भाई है वो तो यार हमारे ही आदमी है तो कुछ नहीं बोलेंगे यार, टिकट का चिंता मत करो, एकदम फ्री में उठ जाओ ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी रुकने वाले हैं, अभी पूरा ट्रेन घुसा है क्या स्टेशन में, देखता हूँ एक बार, हाँ पूरा ट्रेन घुसा है, पहले रोक देते हैं ठीक है, रोक दिया ट्रेन को। इस बार का एकदम परफेक्ट हुआ एकदम रुकना, पता है क्यों परफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने ऑटो पायलट में रखा हुआ है, इस बार मैंने ऑटो पायलट में रखा था, सोच रहा था एवरी टाइम यार मिस्टेक हो रहा है, तो चलो इस बार ऑटो पायलट में रख देता हूँ, तो वही किया मैं। चलो अभी डिपार्ट करेंगे, ऑटो पायलट को मैं ऑफ कर दूंगा, ऑटो पायलट में खेलते हैं ना तो यार मज़ा नहीं आता, सच में यार मज़ा नहीं आता यार, जब तक खुद नहीं ना चलाओ ना ट्रेन को तब तक मज़ा नहीं आता। ऑटो पायलट में क्या है यार, बस ट्रेन को रख दो, बस ये चलती जाएगी यार, ज़्यादा क्रॉसिंग्स नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, अभी सुबह का टाइम है ना। चलो गार्ड ने सीटी बजा दी, एक बार हॉर्न भी बजा देते हैं गार्ड सब का, सामने चलते हैं, बेल, अभी हॉर्न, अब डिपार्ट करते हैं। एक ईएमडी के साथ ट्रेन आ रही है शायद, मेरे को जहां तक लग रहा है एक ईएमडी के साथ ही एक ट्रेन है जो कि आ रही है, एकदम हॉर्न बजाते हुए मस्त आ रही है, एकदम बहुत स्मोक कर रही है गाइस। मस्त लग रहा है गाइस ईएमडी वाला ट्रेन एकदम, ये ट्रैक साउंड बड़े मस्त है ना। गार्ड जी फिर भी जवाब नहीं दिया यार, पिछले वीडियो में भी जवाब नहीं दिया था, इस बार भी जवाब नहीं दिया यार, पता नहीं है गार्ड जी का क्या चक्कर है यार। ये स्टेशन हमारा आ चुका है सामने, अभी हम लोग अभी रुकने ही वाले हैं, और हॉर्न बजाना तो बनता ही है। स्टेशन का नाम है राजचंद्रपुर, यहाँ पे यार गेम में ना बहुत ही पास पास स्टेशन को दिखाया गया, रियल वर्ल्ड में इतना भी पास नहीं है स्टेशंस, इतना भी पास नहीं है रियल वर्ल्ड में, थोड़ा बहुत पार्ट है लेकिन इतने यहाँ पे गेम में कुछ ज़्यादा ही पास में दिखाया गया। चलो गाइस रोक देते हैं, पूरा ट्रेन तो घुस ही चुका होगा, नहीं अभी तक नहीं घुसा पूरा ट्रेन, अभी घुसने वाली है, चलो घुस चुका है, अब रोक देते हैं। चलो गाइस रोक देते हैं, रोक दिए हम ट्रेन को फाइनली, अब जैसे ही टाइम हो जाएगा ना मैं ऐसे डिपार्ट करूँगा, वैसे भी हम लोग एक मिनट लेट है तो ज़्यादा देर रुकना बनता ही नहीं है, एंड यहाँ पे पैसेंजर्स भी ज़्यादा नहीं है,
तो चलो गाइस डिपार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स अप्लाई हो चुके हैं, अभी ब्रेक्स रिलीज़ करके तुरंत डिपार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक मैं पीछे में ये गार्ड का हॉर्न बजा देता हूँ, सामने बेल बजा देता हूँ। तो गाइस ये था हमारा डानकुनी का पहला वाला स्टेशन, एंड अभी हम लोग जो है डानकुनी के तरफ जाने वाले हैं, एकदम राइट साइड के ट्रैक्स में जाने वाले हैं हम लोग। हाँ, राइट साइड के ट्रैक्स में जाने वाले हैं हम लोग, एंड डानकुनी आने में अभी 3 किलोमीटर बचा है, तो चलो एक्सेलेरेट करते हैं 80 किलोमीटर तक। यार लोकल ट्रेन में जा रहे हैं लेकिन ज़्यादा स्पीड तो नहीं कर पाए, क्योंकि यार इतने सामने सामने स्टेशन है ना, क्या करेंगे। साइड से एक और लोकल ट्रेन आ रही है, आपको दिख रहा होगा, मस्त क्रॉसिंग है गाइस एकदम। हम लोग एकदम कर्व पे जा रहे हैं हम लोग गाइस, हमारा 9 कोचर का जो EMU है बड़ा मस्त एक्सेलरेशन कर रही है, ओवर स्पीडिंग भी कर रही है। थोड़ा सा ब्रेक्स करता हूँ यार, ब्रेकिंग लगाता हूँ, क्योंकि 80 का स्पीड लिमिट है ना, तो मैं 94 में क्या कर रहा हूँ, इतना ठीक है, इतना चलता है। ब्रेक्स रिलीज़ करने का भी साउंड बड़ा मस्त है ना, देखो मैं अभी ब्रेकिंग करूँगा और फिर ब्रेक्स रिलीज़ करूँगा, फिर साउंड आप लोग सुनना, ठीक है। ये मैंने ब्रेक्स लगाया एंड अभी ब्रेक्स को मैं रिलीज़ करूँगा, ज़रा साउंड सुनना, ठीक है। मस्त साउंड आया ना। तो चलो अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं डानकुनी जंक्शन, बड़ा स्टेशन है भैया, तो यही स्टेशन हमारा लास्ट है आज हमारे जर्नी का। ये लोकल ट्रेन भी सियालदह टू डानकुनी जाने वाली है, जाने का ही ट्रेन आप सामने देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है सियालदह टू डानकुनी, देख ही सकते हैं। हेडलाइट जला देते हैं, हाँ हल्का वाला हेडलाइट जला देते हैं, ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है। चलो अभी वापस यहाँ पे अपने जगह में चलते हैं, ट्रैक से होने वाला है, जल्दी जल्दी से स्पीड रिड्यूस करो गाइस। यार मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेन तो मैं चला रहा हूँ यार, आपको क्यों बोल रहा हूँ तब। यार बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारा ये जो ट्रैक चेंज है ना ये होने वाला है यार, मैं ध्यान नहीं दिया यार। चलो गाइस मैं संग स्पीड जो है ना एकदम मैं डिक्रीज कर चुका हूँ। रिलीज़ कर दिया ब्रेक्स को, यार बहुत ही हार्ड लग रहा है लोकल ट्रेन चलाना, बहुत ही हार्ड लग रहा है। लेकिन आज ये खुशखबरी जो है ना कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। अरे ये तो मेरा रिकॉर्ड है यार कि मैं लेट करता हूँ, लेकिन आज मैं लेट नहीं हुआ हूँ ज़्यादा। आप ये यहाँ पे नीचे ड्राइविंग एड्स विंडो पे आप देख ही सकते हैं कि डानकुनी जंक्शन का टाइम था 10:16 पे, लेकिन हम लोग पहुँच रहे 10:18 पर, मतलब 2 मिनट लेट हुए यार। 2 मिनट चलता ही यार, इंडिया है भैया, 2 मिनट तो चलता ही है, एंड आप लोग चला ही लोगे ना, 2 मिनट आप लोग चला ही लोगे, मुझे मालूम है चला लोगे आप 2 मिनट, ठीक है। तो अभी हमारा ट्रैक चेंज फिर से होने वाला है, हम लोग अभी जाने वाले हैं लेफ्ट साइड के ट्रैक्स में, आपको ट्रैक मोटर पे दिख रहा होगा, अभी हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट साइड के ट्रैक्स में। फिर से हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है गाइस, अब सामने देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा लगेगा यहाँ पे। ये जा रहा है हमारा सियालदह डानकुनी EMU लोकल, हल्का हल्का साउंड आ रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया गया हमको, ज्यादातर जगह पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया जा रहा है गाइस। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जगह पे ना हमको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही दिया जा रहा है। तो इस साइड में एक EMD के साथ एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है डानकुनी जंक्शन पे, इसका शायद रेगुलर स्टॉपेज होगा, एंड ये एक लोकल ट्रेन भी खड़ी है, ये भी सियालदह डानकुनी लोकल है, अभी कुछ देर के बाद शायद यहाँ से डिपार्ट करेगी, शायद, मेरे को श्योर नहीं पता लेकिन शायद। एंड हमारा ट्रेन एंट्री मार रहा है एकदम, क्या कहूँ, एकदम गजब से एंट्री मार रहा है। चलो एंट्री मार चुके हम लोग, जैसे ही हमारा पूरा ट्रेन घुस जाएगी स्टेशन पे हम लोग तुरंत रोक देंगे। ये तो भैया बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पे शायद ये EMU स्टॉप वाला जो बैनर है ना वो शायद होगा, तो स्पीड ज़्यादा नहीं करेंगे गाइस, स्पीड एकदम डिक्रीज़ कर देता हूँ मैं, एकदम डिक्रीज़ में, ठीक है। आगे चलता हूँ, अभी यहाँ से देखता हूँ EMU स्टॉप का कोई बैनर दिख रहा है, हाँ शायद है,
तो गाइस मैं ना ब्रेक्स लगाना चालू कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ पूरा ट्रेन हाँ घुस चुका है। तो यार फटाफट से ब्रेकिंग करनी होगी यार। अरे यार ब्रेकिंग करो जल्दी जल्दी से, इस बार कहीं वो ये ना हो जाए, क्या कहते हैं इसको। हाँ तो मेरे को गाइस एमू स्टॉप का बैनर दिख गया, एंड एमू एंड मैंने सही जगह पे जो है ट्रेन को अपना रुकवा दिया। यहाँ से देखिए एक राजधानी एक्सप्रेस है शायद, इसका क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे वैप 7 के साथ। कोई राजधानी एक्सप्रेस थी जो कि हमको क्रॉस किया अभी अभी। तो चलो हम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं क्योंकि हमारा यही लास्ट स्टॉपेज था। यहाँ से क्यों भैया, हम लोग तो वहाँ केबिन से उतरेंगे, लोको पायलट के केबिन से उतरेंगे। यार हम लोग लोको पायलट हैं यार, हम लोग यार पैसेंजर्स थोड़ी है, वैसे तो सब कुछ ही है हम लोग पैसेंजर्स लोको पायलट, लेकिन लोको पायलट के केबिन से उतरेंगे। चलो यहाँ से नहीं, हाँ दिस एक्टिविटी इज एंड, पता है यार मैंने एक्ट यहीं तक बनाया था। चलो अभी उतरते हैं इस साइड से, नहीं इस साइड से क्यों, स्टेशन तो इस साइड में ना। चलो उतर चुके हैं ट्रेन से, हम लोग उतर चुके हैं। अब इस ट्रेन में जिस लोको पायलट का जो है अगला ड्यूटी होगा वही इस ट्रेन को बैक सियालदह स्टेशन में लेके जाएगी। तो फिलहाल हमारा ड्यूटी यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जर्नी करके EMU जी। तो यार वीडियो यहीं तक है, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड लोकल ट्रेन्स के फैंस आपको तो यार कमेंट करना कंपलसरी यार, कैसा लगा ज़रूर बताना यार मेरे को, ताकि मैं बाद में ये बना सकूँ और लोकल ट्रेन्स के वीडियो मैं बाद में ये बना सकूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो लोकल ट्रेन है ना वो वहाँ पे जाके रुक गई, शायद इसका स्टॉपेज होगा या फिर इसको सिग्नल नहीं मिला होगा। चले खैर हम लोग तो यार यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ठोकना तो बनता ही है, एंड अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो यार आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करना है उसको करो। एंड अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, नहीं तो यार आपकी मर्ज़ी यार, आपको करना है तो कर लो, लेकिन कर लो तो यार अच्छा ही होगा ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेन लवर हो तो आपको यहाँ पे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे एंड आपको ये पसंद ज़रूर आएगा ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं सब वीडियोस डाल पाऊँ। एंड आप आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे या फिर सजेशंस वगैरह होंगे तो आप मेरे को मेरे फेसबुक के पेज रेलवे गेम स्टार में बता सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हर एक वीडियो के नीचे। तो वहाँ से आप मेरे से चैटिंग भी कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करूँगा। एंड उस साइड में देखिए ये एक लोकल ट्रेन एंट्री मारी है, ये भी शायद रुकने वाली है, पता नहीं क्या करने वाली है, जो भी करने वाली है छोड़ो, हम लोग अभी चलते हैं। तो ठीक है गाइस, आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।